तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले है दोस्त, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और सुनना है। तो दोस्तों आपका अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक प्रोसेसिंग में है, यानी कि योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, योर बैंक अकाउंट विल ओपन शॉर्टली, ये इंटरफेस आ रही है। तो आपका ये खुशखबर है, ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है मैंने भी ओपन किया है, तो आपको भी ओपन करने के लिए ही मैं आया हूँ यूट्यूब में। तो चलिए दोस्तों पहले बता दो, आपने बहुत सारे वीडियो देखा है फेक वीडियो यूट्यूब में, तो आपको लास्ट तक भी नहीं पता है कि आपको जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो ओपन कैसे करेंगे। तो मैं इस वीडियो को लाया हूँ, तो आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों पहला स्टेप है, तो देखिए साकिना खातून के नाम पर जो मैंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन किया है तो वो कैसे है जो मैं ओपन करूँगी। तो ये देखिए साकिना खातून के नाम पर जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो मेरा है, तो ये भी पेंडिंग में है। योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, योर बैंक अकाउंट विल ओपन शॉर्टली। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी यही इंटरफेस आ रहा है। तो पहले मैं जाऊँगा पासबुक में, पासबुक के जाने पर तो आपको दिखाऊंगी कि मैं देखिए अभी तक मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी कि कोई भी बैंक मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। तो पहले जाइए पास पेटीएम वॉलेट में, तो जो चलिए वहाँ पर क्लिक करने गए तो मेरा जो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड कुछ भी है, तो बहुत से मैं रिचार्ज किया है। रिचार्ज करने से क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है, आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो ओपन होने का चांसेस बढ़ जाती है बहुत। तो देखिए फ्रेंड्स वहाँ पर साकिना खातून के नाम के जो वहाँ पर एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो प्रोफाइल है, तो ये प्रोफाइल में आपको ले आएंगे। तो प्रोफाइल पर ले आने के बाद आपको दिखाऊँगी मैं सबसे पहले कि ये देखिए मेरा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो ये देखिए योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, योर बैंक अकाउंट विल ओपन शॉर्टली। तो ये इंटरफेस सबको आ रहा है हर वक्त सबको। तो यही आपका क्वेश्चन है कि इस ये जो है तो इसको हटाए कैसे, और हमारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है तो हम यूज़ करेंगे कैसे। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊँगा, सो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो फॉलो करना है। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा 100% वर्किंग है। तो पहले आपको लाइव प्रूफ दिखा दे, तो ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको ओपन करेंगे कैसे, तो चलिए पहले आप देख लीजिए फ्रेंड्स। साकिना खातून के नाम का जो पेटीएम है, इसका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो इसका इंटरफेस आ रही थी योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, योर बैंक अकाउंट ओपन विल शॉर्टली। तो यही हटा के हमारा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है तो हम ओपन, तो पहले देखिए हम एक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सिलेक्ट योर अनदर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, तो चलिए यहाँ पर क्लिक मार देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सर्च के एक बटन मिलेगी, तो वहाँ पर सर्च करिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है पेटीएम से, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी। तो सिम वन या सिम टू जो भी हो, तो हमारा सिम वन पे है तो हम प्रोसीड टू SMS सेंड कर दिया। देखिए वेरीफाइंग विल बैंक हो रही है, तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर UPI एड्रेस क्रिएट करने दे रहे हैं, तो कोई भी आपका मनपसंद एक UPI एड्रेस क्रिएट कर ले। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं, तो गुलजार @ नहीं देना है, 333@ कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए कॉन्फर्म योर बैंक पेमेंट्स बैंक ओपन, तो ओके कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आप हैरान की बात है कि हमारा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक प्रोसेसिंग में, तो हम इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ओपन कैसे किया, यही इस वीडियो में आपको दिखाऊंगे फ्रेंड्स, कि आप भी आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक प्रोसेसिंग में है तो आप ओपन कैसे करेंगे, ओपन करके आप भी यूज़ कैसे करेंगे। तो जो वहाँ पर देखिए क्लिक मारने के बाद देखिए, तो वो जो शो कर रही थी वो आप नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं ऐड योर पैन कार्ड, तो आपका जो पैन कार्ड है उस पैन कार्ड को यहाँ पर डिफरेंट पेटीएम को ओपन करके दिखाता हूँ कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आप ओपन कैसे करेंगे डिफरेंट। तो देखिए गौर से ये काम की बात में आती है, तो ये जो पेमेंट ये जो मेरा पेटीएम था डिफरेंट पेटीएम, तो ये तो ओपन हो गया है, और एक पेटीएम है उसका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो कैसे ओपन करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो सिर्फ आपको फॉलो करना है। तो वहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ले आएंगे आपका प्रोफाइल में, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ से आप सिलेक्ट करने कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका जो पासकोड है, तो आपको पेटीएम किया है तो एक पासकोड आपको सिलेक्ट करने पड़ेगी, इसलिए क्योंकि पेटीएम का एजेंट आप जब पेटीएम की एजेंट के साथ मैसेज करेंगे तो आपको इस पासकोड ही एंटर करने पड़ेगी। तो वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी एक, तो देखिए हो गया है सक्सेसफुल और ओके कर दीजिए, तो आपका जो पासकोड है वो सिलेक्ट हुआ है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो वहाँ पर एडिट प्रोफाइल के एक ऑप्शन है, तो एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर शो करेगी,
आपका जो केवाईसी डिटेल्स है वो भी शो करेगी, देख लीजिए आप थोड़ा ध्यान से। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 24x हेल्प यानी कि पेटीएम के एजेंट के साथ आपको मैसेज करना है। तो यहाँ से आपका जो भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं उसको। तो अभी नहीं करूँगा, वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊँगी। तो वहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो एक बात बता दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो आधार कार्ड की प्रोफाइल है उस प्रोफाइल पर यहाँ पर एडिट करना है, यानी कि आपका आधार कार्ड में जो प्रोफाइल थी वो प्रोफाइल आपको यहाँ पर देना है। देने से क्या फ़ायदा होगा, आपका जो आधार कार्ड है तो आपने जो केवाईसी किया है तो बहुत जल्दी वेरीफाई कर लेगी। तो चलिए एक आपका जो फ़ोटो है तो वहाँ पर आप सिलेक्ट करिए, ध्यान से कीजिए। तो चलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो थोड़ा वक्त लगेगी फ्रेंड्स। तो चलिए हो गया है। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए आपका फादर नेम, मदर नेम जो भी है सारा डिटेल्स यहाँ पर शो कर रही है। शो करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर सेव डिटेल्स के एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको पेटीएम अपडेट करना है। तो ये देखिए सक्सेसफुल हो गए है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना है, बैक आइए। तो चलिए हम आएंगे, तो एडो के चिन्ह पर क्लिक मारने के बाद दिन देखिए आप हम होम पेज में आ गए हैं। होम पेज में आने के बाद 24x हेल्प कहाँ पर है, वहाँ पर इस पेटीएम एजेंट के साथ मैसेज करना है। तो देखिए आपका सेविंग अकाउंट का इशू है, तो सेविंग अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो वहाँ पर देखिए सेविंग अकाउंट, तो मारिए क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए इशू विथ माई सेविंग अकाउंट कहाँ पर है, तो फर्स्ट नंबर पर है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो वहाँ पर देखिए अनेबल माई टू ऐड योर सेविंग अकाउंट डिटेल्स, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद मैसेज आ के एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर क्लिक करना है। तो मैसेज करने से क्या फ़ायदा होगा, आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है आपको पहले अपडेट दे देगी। तो वहाँ पर आप लिख दीजिए हेलो आई एम, जो भी नाम पे आपके वाईसी किया है उसका नाम दीजिए, उसका पासवर्ड दीजिए। तो यहाँ पर पासवर्ड इंपॉर्टेंट था, तो आपने तो पासवर्ड बना लिया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। प्लीज़ वेरीफाई एडिट टू चेक माई प्रॉब्लम पेमेंट्स बैंक अकाउंट, तो आप वहाँ पर सेंड कर दीजिए। हमने जो लिखा है आपको भी वही लिखना है। लिखने से क्या फ़ायदा होगा, आपका जो इसका एजेंट है तो आपको मैसेज कर देगी पहले और अपडेट दे देगी। तो आप 24x हेल्प करंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक होम पेज में दिखाएगी इशू विथ माई अकाउंट पर, आपको आपने जो मैसेज किया है तो यहाँ पर शो करेगी। और भी कोई आपको जानकारी हासिल करना है पेटीएम की एजेंट के पास, तो वहाँ पर आप मैसेज करते हैं, तो वहाँ पर सेव की एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर सेंड पे क्लिक करने के बाद जो मैसेज है जाएगी। तो देखिए आप सोच रहे कि इसको तो हम मैसेज किया है तो ये हमको कोई आंसर देगी या नहीं देगी, तो ये देखिए मैंने मैसेज किया है तो उसने हमको आंसर दिया है। तो सोचने की कोई बात नहीं है। मैं भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन करके यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी करेंगे, 100% वर्किंग है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। और तो सबसे बड़ा एक बात बता दो, हमारी भारत सरकार ने आधार कार्ड की रोक लगा दी है RBI बैंक के थ्रू। तो इस रोक की वजह से आपका जो नया KYC किया है तो उसका पेटीएम पेमेंट बैंक प्रोसेसिंग में, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, आपका जो नंबर पे KYC किया है वहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिए, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिए, और आपका जो VID यानी कि वर्चुअल ID, तो वहाँ पर आपका ग्राम पे यानी कि आसपास कोई ऑनलाइन करते हैं तो उसके पास आपका आधार कार्ड ले जाकर आपका जो VID वर्चुअल आईडी बाहर कर लीजिए। वर्चुअल आईडी आप निकलने के बाद देखिए 100% वर्किंग आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन हो जाएगी। मेरा भी ओपन हुआ है, आपका भी होना ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, एक लाइक तो और सब्सक्राइब तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों।